ये तो दोस्तों इश्क मुर्शिद की लास्ट एपिसोड हो गई है सिनेमा में रिलीज। जिन जिन लोगों ने लास्ट एपिसोड देखी है वो तो है बहुत ज्यादा खुश के इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी और हैप्पी एंडिंग हुई है। लेकिन मैं अब आपको बताऊंगी कि इसकी एंडिंग हुई क्या है, लास्ट एपिसोड में एक्चुअली हुआ क्या है। अमीर सिकंदर को जब पता चलेगी सारी सच्चाई कि उसकी माँ को उसके बाप ने नहीं बल्कि हारून बेग ने मारा है, तो वो बहुत ही ज्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाएगा। वो ये सोचेगा कि शिब्रा को अपनी जिंदगी में दोबारा वापस कैसे लेकर आऊं। वो जाकर शिब्रा के बहुत ही ज्यादा तरले मिनते करेगा, उसे रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन शिब्रा मुंह पे सीधा सीधा इनकार कर देगी। यहाँ पर शिब्रा उसे कहेगी कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम कहाँ थे शाहमीर सिकंदर। शाहमीर सिकंदर शिब्रा से वादा करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस करप्ट निजाम को खत्म करना चाहता हूँ। वो उसके आगे रोएगा, माफी मांगेगा और उसको अपने साथ घर वापस ले आएगा। फिर होगी शाहमीर सिकंदर और शिब्रा की असली स्ट्रगल शुरू। फिर वो सारे करप्शन का खात्मा करेंगे, एक साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारेंगे। और क्या आपको पता है कि बिलाल अब्बास ने अनाउंस किया है कि इश्क मुर्शिद 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो क्या आप सबको इश्क मुर्शिद 2 का इंतजार है? हाँ, अगर इश्क मुर्शिद 2 का इंतजार है तो उसमें उसकी स्टोरी क्या होगी और इस इश्क मुर्शिद की जो हैप्पी एंडिंग होगी वो भी हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि शिब्रा और शाहमीर सिकंदर तो अलग हो नहीं सकते। इसलिए इस ड्रामे की जैसे शुरू से हैप्पी स्टार्टिंग थी, हैप्पी एंडिंग भी उसी तरह होगी दोस्तों। और इश्क मुर्शिद का देखने में सबसे ज्यादा मजा ही इसलिए आया था क्योंकि इसमें शिब्रा और फजल बख्श थे। तो कौन कौन एक्साइटेड है इश्क मुर्शिद सीजन 2 के लिए, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे क्विक खबर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।